नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान अड्डा। और आज हम 7 मई के बारे में बात करते हैं, तो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इसी सेशन की शुरुआत से पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और राम राम राधे राधे। साथ में आज बात करेंगे हम 7 मई की। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप अपने घर में अपने घर वालों के साथ लॉकडाउन का बेहतर पालन करते हुए स्वस्थ होंगे। इसी के साथ में आप सभी को इंटरनेशनल एथलीट डे की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें आज 7 मई है और 7 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय एथलीट दिवस एवं रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती है, तो इन दोनों की आपको एक बार फिर से बधाई। आज बात करेंगे सबसे पहले हम इन वर्ल्ड एथलीट्स डे के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हम बता देते हैं छोटी सी जानकारी। यहाँ जो विश्व का पहला एथलीट दिवस मनाया गया था वो 1996 में मनाया गया था और इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन यानी कि IAAF के द्वारा मनाया जाता है। इसी के साथ में यह दिवस जो आपका अंतर्राष्ट्रीय एथलीट दिवस है, ये युवाओं और हमारे जो खेल हैं और पर्यावरण संरक्षण है उसके बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने की उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। दूसरा उद्देश्य है कि इस दिन जो स्कूली छात्र या कॉलेज इंस्टीट्यूट जो छात्र हैं उनमें खेल के प्रति जो भावनाएं हैं उनको जगाना और गेम्स में रोड रनिंग, रेस वर्किंग, ट्रेड एंड फील्ड और क्रॉस कंट्री रनिंग इसमें शामिल की जाती हैं। और आपको बता दें इसका जो पुराना नाम था वो इंटरनेशनल एमेच्योर एथलीट फेडरेशन था और इसका मुख्यालय मोनाको, अध्यक्ष इसके सैब स्ट्रियन कोए हैं और इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 में स्टॉकहोम जो स्वीडन का एक शहर है वहाँ पर हुई थी। तो जो आपका खेल के प्रति सद्भावना और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आपका मनाया जाता है। इसी के साथ में आपको हम बता देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इनका जन्म कलकत्ता के अंदर 7 मई 1861 में हुआ था और इनकी जो निधन था वो 7 1941 में हो गया था, सॉरी 7 अगस्त 1941 में। अब आपको हम बता देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक भारतीय साहित्यकार थे, साथ में स्वतंत्रताकारी भी थे और इन्होंने 1913 में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने, यानी कि इनको पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और भारत के साथ साथ में एशिया के भी ये पहले नोबेल प्राप्तकर्ता बने थे। और इनकी एक किताब थी या इनका एक उपन्यास था गीतांजलि, उसके लिए इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल मिला। इनको महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि थी वो इनके द्वारा दी गई थी। इसी के साथ में गुरुदेव की उपाधि इनको महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नाइटहुड और सर की उपाधि इन्होंने जो 1919 का हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसकी वजह से इन्होंने ये उपाधियाँ वापस इन्होंने लौटा दी थी। और आपको बता दें इन्होंने 1882 में एक आनंद मठ नाम की एक किताब लिखी थी जो कि संस्कृत और बंगाली की मिश्रित भाषाओं में लिखी गई थी। आपको बता दें कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इनका जो आनंद मठ या गीतांजलि जो है उसमें जो राष्ट्रीय गान है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के इन किताबों से लिया गया है,
उसमें से जो राष्ट्रगान है इनके, मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जो इनकी किताब है उन उसमें से दो राष्ट्रगान हैं, एक तो है भारत का, दूसरा आपका बांग्लादेश का, जो वर्तमान में आपके सामने देखने को मिलता है। इसी के साथ में आज के सेशंस की बात कर लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन वो रहने वाला है, फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड किस भारतीय पत्रकार को हाल ही में मिला है? तो आपको बता दें, सिद्धार्थ वरदराजन साहब को ये अवार्ड दिया गया है। और आपको अगर फोटो उपलब्ध कराई जाए तो ये हैं आपके सिद्धार्थ साहब। अब आपको बता देते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। ये द वायर एक अखबार है, द बॉयर उसके अखबार के संस्थापक हैं और भारतीय पत्रकार हैं, और जर्मन अंतर्राष्ट्रीय प्रसारा के डायरेक्टर वैली के द्वारा 14 देशों के 17 पत्रकारों को अब की बार ये अवार्ड दिया गया था। और यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो मीडिया में मानव अधिकारों को, वह बोलने की जो स्वतंत्रता होती है, वाक की स्वतंत्रता, उसके प्रति लगन से जो काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब जब इस अवार्ड की बात हो रही है तो आपको हम बता देते हैं, जिनेत वेदोया लीमा, जिनेत वेदोया लीमा इनको भी हाल ही में, कोलंबिया की एक खोजी पत्रकार हैं, इनको भी यूनेस्को का गिलिर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 मिला था। और आपको बता दें, जो वर्ल्ड प्रेस दिवस है हाल ही में, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वो 3 मई को अभी हाल ही में मनाया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो भारत का स्थान था वो 142वां था, और इसी इंडेक्स में सबसे टॉप पर नॉर्वे रहा था। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो देखिए, ये जो पहले हिंदू पायलट बने हैं वो बने हैं आपके राहुल देव। और अब इनके बारे में अगर आपको बता दूं तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के दूसरे अधिकारी बने हैं। अगर पायलट की बात करी जाए तो पहले पायलट लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के दूसरे अधिकारी के रूप में चुने गए हैं। इनसे पहले एयर कमांडर बलवंत कुमार दास पाकिस्तान एयरफोर्स में भर्ती होने वाले पहले हिंदू थे, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में अगर आपको राहुल देव के बारे में बताऊं तो ये 26 वर्षीय एक व्यक्ति युवा हैं, और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ का थार पाकर एक जिला है, उस थार पाकर जिले के ये मूल निवासी हैं। अब इसी के साथ में आपको थोड़ी सी मुझे याद आ रही है एक चीज़, सुमन कुमारी ये भी आपकी पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज बनी है पिछले ही वर्ष। और ये जो क्वेश्चन है सुमन कुमारी के बारे में, ये शायद RRB रेलवे में जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे उनमें पूछा गया था। इसी के साथ में एक चीज़ अगर मैं कनेक्ट करूं बांग्लादेश से इसी हिंदूवादी चीज़ों पर, तो एक चीज़ मेरे याद आती है कि जो सुरेंद्र कुमार सिन्हा हैं वो भी आपके बांग्लादेश के पहले हिंदू जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये तो अभी हाल ही में रहे थे। और अगर पाकिस्तान की राजधानी बताऊं तो इस्लामाबाद होगी, PM होंगे आपके क्रिकेटर इमरान खान, प्रेसिडेंट आपके इस वक्त आरिफ अली, और राष्ट्रपिता पाकिस्तान के आपके मोहम्मद अली जिन्ना हैं। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। अब यहाँ पर पाकिस्तान के संबंध में एक फैक्ट और मेरे याद आता है कि पाकिस्तान से और भारत के बीच में चलने वाली दो महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां या कहें यातायात के जो साधन हैं वो चले थे, और ये चले थे समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। ये दो गाड़ियां चली थी पाकिस्तान और भारत के बीच में आवाजाही, टूरिज्म और व्यापार को लेकर। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से कितने भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये तीन पत्रकार हैं और इनमें दार यासन, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद
और ये जो आपके तीनों पत्रकार हैं ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तीनों ही। और आपको बता दें ये तीनों जम्मू कश्मीर से संबंध तो रखते हैं, और साथ में इन तीनों को जो पुरस्कार दिया गया है आप फोटो पर भी देख रहे होंगे, फोटो जर्नलिस्ट के रूप में इनको दिया गया है, यानी कि पिक्चर फोटोग्राफी श्रेणी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये तीनों एसोसिएट प्रेस के पत्रकार हैं। अब आपको हम बता देते हैं इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया। तो हाल ही में 31 अक्टूबर जब 2019 को जम्मू कश्मीर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना, तो उसके बाद में जो धारा 370 हटने के बाद में जो बेहतर और जो वहाँ की जो सटीक जानकारी थी स्थानीय, मतलब कि जो वहाँ के फील्ड से एकदम हकीकत जो चेहरा था जम्मू कश्मीर का, उसकी एकदम सटीक और बेहतर कवरेज फोटोओं के साथ में वीडियोज़ के साथ में इन्होंने दिखाई थी। और इस निष्पक्ष और सटीक चेहरे को दिखाते हुए, जम्मू कश्मीर के चेहरे को दिखाते हुए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार सबसे ज़्यादा, अगर पूछा जाए अब की बार किसने जीता है, तो यह पुरस्कार सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क टाइम्स ने मैगजीन जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने ये अवार्ड 3 पुरस्कार इसमें जीते हैं। इसी के साथ में आपको बता देते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। तो यह अमेरिका का एक प्रसिद्ध पत्रकारिता का क्षेत्र का पुरस्कार है, और इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। और इस ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका पत्रकारिता साहित्य और संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। इसके संस्थापक है जेसेफ पुलित्जर, जो कि एक अमेरिकी पत्रकार के प्रकाशक भी रहे हैं। तो ये सब डिटेल्स आप यहाँ पर देख लेंगे। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, और ये कहता है कि हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला है। तो ये मिला है असम में। फोटो दिखाने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसके दो नाम है, एक तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर है और एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू भी, इसके अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के नाम से भी ये जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होना अगर आपके किसी भी पेपर में ये आ जाए कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू किस राज्य में मिला, तो असम में मिला, और अफ्रीकन स्वाइन फीवर किस राज्य में मिला, तो असम में मिला। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कर रहा है जानवरों को, और जानवरों में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कर रहा है ये पिग यानी कि सुअर को। अब आपको बता दें कि असम में इसका पहला मामला मिला है हाल ही में, और सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ करीब 2500 की मात्रा में जो सुअर हैं उनकी मौत हो गई है। और यह रोग जानवरों में, खास तौर से सुअरों में पाया गया है, लेकिन जानवरों से इंसानों में नहीं फैलेगा। इसकी पुष्टि भी हो गई है कि ये मानव मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसको किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालेगा उस पर। अब इसी के साथ में अगर असम राज्य के कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसा कि हम एक दिन एक क्वेश्चन आपका डिटेल में लेकर चलते हैं। पहले दिन हमने आपका जम्मू कश्मीर लिया था, कल हमने आपका कर्नाटक लिया था, और आज ले रहे हैं असम। तो असम के बारे में फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं जो आपका असम है, इसमें हाल ही में मतलब फरवरी मार्च में एक अरुंधति स्कीम लॉन्च की गई है। क्या है अरुंधति स्कीम? तो जो जब असम के जो गरीब परिवार हैं उनकी लड़कियों की शादी पर सरकार द्वारा कन्यादान के रूप में 1 तोला सोना दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बता दें कि जो एनआरसी और जो जीएसटी है, ये दोनों स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य असम ही था। और जो जीएसटी है इससे संबंधित ये क्वेश्चन कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। 3 बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से इसी को 3 बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। इसी के साथ में आपको बता दें कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक का जो कारखाना है प्राकृतिक तेल का, वो आपके डिब्रूगढ़ असम में ही मौजूद है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018-19 में लगातार पूछा गया है। इसी के साथ में दिल्ली पुलिस एमटीएस में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, जो दिल्ली पुलिस एमटीएस की भर्ती हुई थी 2018-19 वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। इसी के साथ में आपको बता देते हैं कि भारत का सबसे सॉरी असम
असम की जो खेल या स्पोर्ट एम्बेसडर हैं वो हेमा दास हैं, और हेमा दास के साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये आपके बैंक 2020 जनवरी फरवरी में जो पेपर हुए थे उनमें पूछा गया था। असम की टूरिज्म एम्बेसडर कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा हैं। ये रेलवे ग्रुप डी 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन है? तो ये स्वाति विभन वरुआ हैं, और ये क्वेश्चन आपका इंडियन नेवी 2019 के एग्जाम में आया था। और इसके साथ में ये भी आया था कि भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर नहीं, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन बनी है? तो ये क्वेश्चन भी आपका जम्मू कश्मीर सॉरी पश्चिमी बंगाल की बनी है। नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, जैसे ही आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा या अगले सेशन में बता दूंगा। तो लेकिन वो जो दीनापुर एक आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है, दीमापुर शायद दीमापुर है, वहाँ की वो एक लोक अदालत की जज हैं पश्चिमी बंगाल में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके नेवी में आए हैं 2019 में। इसी के साथ में असम की अगर थोड़ी सी और डिटेल करें तो देखिए असम जो है उसकी राजधानी रहेगी दिसपुर। काफ़ी लोग गुवाहाटी करके आते हैं, लेकिन आपको आज मैं बता देता हूँ गुवाहाटी और दिसपुर का क्या चक्कर है। देखिए जो गुवाहाटी शहर है उसी के एक कोने पर दिसपुर शहर बसा हुआ है, मतलब गुवाहाटी क्षेत्र जो है उसके एक कोने पर दिसपुर शहर बसा हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं, तो इसलिए काफ़ी बार कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि गुवाहाटी इसकी राजधानी रहेगी, क्योंकि उच्च न्यायालय भी आपका गुवाहाटी ही में ही है। तो आप यहाँ मिसगाइड नहीं होएगा, दिसपुर याद रखिएगा। साथ में सर्वानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर वर्तमान में अजय लामा साहब हैं। और यदि आपने राज्यों के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के और राज्यपाल या प्रशासक या उपराज्यपाल वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर देखें उस वीडियो को। उसमें बहुत लेटेस्ट जानकारी अप्रैल 2020 जो 30 अप्रैल 2020 है उस तक की पूरी अपडेट जानकारी आपको उसमें बताई गई है। इसी के साथ में आपको बता दें काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क आपके यहीं पर बनते हैं। इसी के साथ में आपको बता देते हैं कि एक अबूबाची मेला भी अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि असम का जो ये फेमस अबूबाची मेला है इसका आयोजन कोरोना वायरस के चलते नहीं हुआ है, और ये विश्व का प्रसिद्ध मेला है। कोरोना के चलते पत्रकारों को 50 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है असम, जिसने ये पत्रकारों के जो कोरोना वायरस की जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपया जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की थी। उसके बाद हरियाणा भी कर दी, उसके बाद में राजस्थान ने भी कर दी, लेकिन सबसे पहले असम ही बनता है। इसी के साथ में भारत का सबसे लंबा नदी पुल है जिसको हम भूपेन हजारिका के नाम से जानते हैं, भूपेन हजारिका पुल, वो आपका लोहित नदी के ऊपर बना है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, और ये भी आपका असम में ही मौजूद है। तो देखिए आपको हमने इतनी सारी जानकारी बताई असम के बारे में, आप इसको जरूर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और इसी के साथ में इस सेशन को यदि आपको हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी आ रही है, आपको लगता है कि नीरज सर आपको बहुत अच्छी मेहनत करवा रहे हैं, तो इसी के साथ में आप एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को, घंटी के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारा जो नेक्स्ट सेशन या हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो आप जब आए तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ में फ्रेंड्स हम आपके देखो लॉकडाउन में आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपकी जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से रखते हुए आपको ये सेशंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो ये हमारा सेशन है वो यूट्यूब की भीड़ से थोड़ा अलग है, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल नए नए सब्जेक्ट और नए नए टीचर आने लगे हैं। तो देखिए इसमें हमारे सेशन में एकदम तर्क संगत क्वेश्चन आते हैं, और वही क्वेश्चन हम शामिल करते हैं जो 101% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इस पर कोई भी बेतुका कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, एकदम लेटेस्ट जानकारी वाले आपको क्वेश्चन इसमें उपलब्ध हम कराते हैं।
इसके साथ में हमारी टीम के लिए भी आपको एक लाइक जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी टीम है वो बहुत ही बेहतरीन प्रयास आपके बेहतर भविष्य को लेकर कर रही है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हाल ही में किस नाम से COVID-19 पर मल्टीमीडिया गाइड बुक जारी की गई है? तो आपको हम बता दें, देखिए आपको हमने ये सुअर की जो फोटो थी वो नहीं बता पाए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो अब आप देख लीजिए, अफ्रीकन स्वाइन फीवर और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जानवर या सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे जो है वो सुअर हो रहे हैं। इसी के साथ में ये क्वेश्चन और इस बुक का या कहें इस गाइड का नाम है कोविड कथा। इसी के साथ में आपको फोटो दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, इस बुक को जो हाथ में लेकर खड़े हैं ये हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हमारे वर्तमान में 17 जो लोकसभा चल रही है उसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, और पिछली बार भी जो 16वीं लोकसभा थी उसमें ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहे थे। तो दोनों बार ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। अब आपको इस बुक के बारे में बता देते हैं। तो इसे जो हमारी विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग है उसके 50वीं वर्षगांठ पर इसको लॉन्च किया गया है, और इसमें COVID-19 से समस्त जो ऑल ओवर जानकारी है उसको बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से, रोचक तरीके से, कार्टून के मतलब डिजाइन से इसको मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए इसमें दी गई है। इसी के साथ में जो आपकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसका जो स्थापना हुआ था 1971 में, और इसका मुख्यालय बनता है आपका नई दिल्ली। इसी के साथ में जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन है ये वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, और जो इनका लोकसभा क्षेत्र बनता है वो बनता है चांदनी चौक दिल्ली। देखिए काफ़ी बार लड़के दिल्ली और नई दिल्ली में कंफ्यूज हो जाते हैं, और आंसर तो उनका सही रहता है चांदनी चौक, लेकिन बहुत से लड़के जल्दबाजी में इसको नई दिल्ली बोल जाते हैं। देखिए जो चांदनी चौक है वो पुरानी दिल्ली का हिस्सा है, मैं आपको पहले भी 2-3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो आप चांदनी चौक को नई दिल्ली मत करके आइएगा, इसमें सिर्फ दिल्ली ही रहेगा, क्योंकि चांदनी चौक जो है वो पुरानी दिल्ली का हिस्सा है और पुरानी दिल्ली को अब दिल्ली के नाम से ही संबोधित करते हैं। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में न्यूयॉर्क की संघीय न्यायालय में किसे न्यायाधीश को नियुक्त किया है? तो देखिए ये भारतीय मूल की सरिता कोमती रेड्डी हैं, आपको फोटो दिखा देते हैं। और ये जो सरिता कोमती रेड्डी हैं ये भारत की पहली भारत की नहीं मतलब एंग्लो इंडियन आपकी भारतीय मूल की अमेरिकन महिला बन चुकी हैं। अब आपको इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल अगर बताएं तो देखिए भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता या अटॉर्नी सरिता कोमती रेड्डी को संयुक्त राज्य अमेरिका की जज नियुक्त किया गया है संघीय अदालत का। इसी के साथ में आपको कुछ फैक्ट अब हम बता देते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो आपको हम फैक्ट बताने जा रहे हैं या एक्स्ट्रा डिटेल जो आपको बताने जा रहे हैं अमेरिका से संबंधित कुछ नाम जो कि भारतीय मूल के लोगों के हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपके परीक्षा में आने के चांसेज रहेंगे 101%। तो आप इनको भी अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जब ध्यान आता है तो बता देते हैं, हमेशा इनको रिपीट नहीं किया जाता। तो सबसे पहले जो मेरे नाम ध्यान आ रहा है वो आ रहा है शोभना नरसिंहम का। जो ये शोभना नरसिम्हन है ये हाल ही में अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य के रूप में चुनी गई है। इसी के साथ में आपको बता देते हैं जो मनीषा सिंह है ये भी मेरे एक नाम ध्यान आ रहा है। ट्रंप द्वारा OECD में राजदूत के रूप में इनको चुना गया है, हाल ही में इनकी घोषणा कर दी गई है कि अगली OECD की जो राजदूत बनेंगी वो आपकी मनीषा सिंह बनेंगी। वनीजा रूपानी का भी मेरे नाम ध्यान आता है। जो वनीजा रूपानी है ये नासा के मंगल ग्रह मिशन से संबंधित पहले हेलीकॉप्टर का जो नामकरण किया है वो इनके द्वारा किया गया है, और इस हेलीकॉप्टर का जो नामकरण इनके द्वारा किया गया है वो किया गया है इंजीन्यूटी। इसी के साथ में एक और नाम मेरे ध्यान आता है सुदर्शन बाबू का, जो ट्रंप द्वारा अमेरिका साइंस बोर्ड में सदस्य के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। शायद सीमा नंदा भी एक महिला है, अमेरिकी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला,
जो हाल ही में अमेरिका में डेमोक्रेटिक जो अमेरिकी डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी है उसकी सीईओ रही थी, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ ही जे अरुण कुमार का आप बिल्कुल नाम ध्यान रखेंगे, जे अरुण कुमार कौन है तो आपको हम बता दें, जे अरुण कुमार का अभी हाल ही में 29 तारीख को अपॉइंट किया गया है इन्हें, और ये जो अमेरिका की जो नेशनल क्रिकेट टीम है उसके कोच बनाए गए हैं, और ये पहले भारतीय कोच भी बन चुके हैं अमेरिका की जो नेशनल टीम है उसके। इसी के साथ में एक नाम मेरे सीमा वर्मा का भी याद आता है, जो सीमा वर्मा है वो अमेरिकी व्हाइट हाउस की जो कोरोना वायरस टास्क फोर्स है ट्रंप की, उसमें अधिकारी के तौर पर चुनी गई हैं। तो ये जितने भी आपको मैंने अमेरिका से संबंधित नाम बताए हैं, ये सभी नाम आपके भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्तियों के नाम हैं। और क्वेश्चन पर कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिस पर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो ये पुरानी याद ताज़ा करते हुए मैंने आपको ये नाम बता दिए हैं। इसी के साथ में मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो श्रीकांत माधव बैद जी बने हैं। आपको फोटो दिखा देते हैं, ये आपके श्रीकांत माधव बैद जी हैं, और इनका कार्यालय 1 जुलाई 2020 से शुरू होगा, और 3 वर्ष के लिए ये आपके इंडियन ऑयल के निदेशक के या चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। इसी के साथ में दो नाम मेरे बहुत गजब के याद आ रहे हैं क्योंकि मुझसे रिलेटेड हैं। देखिए, नीरज धवन और नीरज व्यास, इन दोनों क्वेश्चनों को कल भी मैंने आपको कल के सेशन में रिपीट किया था, आज में मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं टकराने वाले हैं दोनों। तो जो जो नीरज धवन है और नीरज व्यास है, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। मैं आज आपको एक बार फिर रिपीट करवा रहा हूँ, नीरज धवन आपके यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर यानी कि मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं यस बैंक के, जबकि नीरज व्यास आपके हाल ही में PNB हाउसिंग बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो PNB की जो हाउसिंग बोर्ड शाखा है उसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हाल ही में मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 5 मई को मनाया गया था, और इसके बारे में बता दें तो जो मिडवाइफ है, मिडवाइफ का मतलब होता है कि हिंदी में बोलते हैं उसको दाई माई बोलते हैं अपने गांवों में, और दाई माँ के नाम से आप उसको जानते होंगे। अब जो प्रेगनेंसी के समय जो महिलाओं की जो मदद करने वाली महिलाएं होती हैं उनको दाई माँ कहा जाता है, और पन्ना धाय का नाम मेरे यहाँ पर याद आता है, चित्तौड़गढ़ के जो उस समय राजा हुए थे उदय सिंह, तो उदय सिंह की जो रक्षा करने वाली महिला थी, उदय सिंह की जो रक्षा करने वाले चित्तौड़ के राजकुमार थे, तो पन्ना धाय का मेरे यहाँ तुरंत नाम ध्यान आया। तो आपको मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट, जो प्रेगनेंसी के समय जो महिलाओं की मदद करने वाली महिला होती हैं उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है, और हाल ही में MWD यानी कि मिड वाइफ डे, इसकी स्थापना 1992 में WHO के द्वारा की गई थी, और WHO है वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 को हुई थी, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आपको बता दें इसके महानिदेशक कौन है, तो डेट्रोस अदानी है, और WHO जो कोरोना वायरस का जो अभी महामारी चल रहा है, कोरोना संकट चल रहा है, इसके चलते पूरे पूरे चांसेस बनते हैं WHO से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको आप थोड़ा बेहतरीन तरीके से देख लें। इसी के साथ में आपको WHO की एक चीज़ और बता देते हैं कि जो WHO है उसने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने की घोषणा की है, और इसी के साथ में 1 मई को आपका कुछ अब तक के जो मई के सेशन या डे रहे हैं उसके बारे में मैं आपको हल्का सा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ध्यान में आ रहे हैं। तो 1 मई को आपका महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात जो दिवस हैं वो एक ही दिन है, और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये आपके 1 मई को बनाए गए। 2 मई को आपका वर्ल्ड ट्यूना जो कि एक मछली होती है वो ट्यूना दिवस बनाया गया। 3 मई को आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बनाया गया।
चार मई को आपका अग्निशमन दिवस मनाया गया और पाँच मई को आपका मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की अगर बात, ये आपका 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल मिडवाइफ डे के लिए एक लोगो था। इसी के साथ में आपको बता देते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है जिसका शॉर्ट में नाम है, नाम शॉर्ट में इसको नाम बोलते हैं और आपको हम बताएंगे अभी नाम की फुल फॉर्म भी बताएंगे। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसके संपर्क समूह के हाल ही में आयोजित ऑनलाइन शिखर सम्मेलन 2020 में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में COVID-19 महामारी से लड़ाई लड़ने हेतु अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए इस पर मुख्य चर्चाएं रही। और इसी के साथ में आपको बता दें इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो पहली बार VC यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। तो देखिए जो मार्च से और जो अब तक के जितने भी हमारे शिखर सम्मेलन या जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो मीटिंग्स हुई हैं वो सब VC यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुई हैं, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जो इसकी अब की बात थीम थी 2020 शिखर सम्मेलन की गुट निरपेक्ष आंदोलन के, उसकी थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट COVID-19। और आपको अगर हम बताएं नाम, गुट निरपेक्ष आंदोलन का शॉर्ट नाम है नाम, और इस नाम की अगर फुल फॉर्म बताएं आपको तो ऑन अलाइव मूवमेंट इसका पूरा नाम बनता है, जिसकी स्थापना 1961 में ब्रेलगेट यानी कि सर्बिया की राजधानी में हुई थी स्थापना। और 18वां जो आपका नाम आयोजित किया गया था वो आपका अक्टूबर नवंबर 2019 में बाकू यानी कि अजरबैजान नाम का एक देश है उसकी राजधानी बाकू, वहाँ पर इसकी आयोजन किया गया था। इसी के साथ में अगर आज का अंतिम ये फोटो आपको हम दिखा रहे हैं, ये VC यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे देश के इसमें जिसने हिस्सा लिया था सदस्य देशों ने, उनके सबके राजनेता या प्रमुख इस पर मौजूद हैं। आज का जो अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है सर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के सचिव पद पर, सॉरी सर ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, आपसे क्षमा चाहेंगे, ये यहाँ पर राष्ट्रीय आएगा। हाल ही में राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के सचिव पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये अरुण बजाज किए गए हैं सर, आपसे फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो ये टाइपिंग मिस्टेक है इसको आप ठीक कर लें, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं होकर राष्ट्रीय है। क्वेश्चन भी आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के सचिव पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो तरुण बजाज किए गए हैं। अब आपको हम बता देते हैं इनकी नियुक्ति, जो तरुण बजाज हैं इनका फोटो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इनकी जो नियुक्ति है वो वर्तमान में आगामी चार वर्षों के लिए की गई है। और जो हाल ही में वित्त सचिव बने हैं वो बने हैं अजय भूषण पांडे साहब। इसी के साथ में अन्य कुछ मंत्रालयों के मंत्रियों की भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अभी कुछ महत्वपूर्ण जो केंद्रीय मंत्रालय उनके सचिवों की नियुक्ति की गई है। तो अजय त्रिकी साहब हैं जिनको हाल ही में मुख्य सचिव बना गया है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ये मुख्य सचिव बने हैं। इसी के साथ में आपको बता देते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो हमारा है उसके मुख्य सचिव बनाए गए हैं गिरधर अरमाने साहब। इसी के साथ में अरविंद कुमार शर्मा जी हैं, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो ये कुछ सचिव थे, मुख्य सचिव कुछ मंत्रालयों के जिनका हाल ही में नियुक्ति या प्रमोट हुआ है, तो उनको हमने आपको बताया। इसी के साथ में अगर आपको हमारी मेहनत, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हम आपको सेशन लेकर आ रहे हैं वाकई में वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर हमारे लिए एक लाइक ठोक दें। लाइक ठोकने के साथ ही अपने दोस्तों को अपने दोस्तों को शेयर करते हुए कमेंट्स आप ज़रूर करें सेशन से संबंधित। और इसी के साथ में आज का जो हमने आपको कल क्वेश्चन दिया था, तो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में NTPC के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो वो आपके बनाए गए हैं रमेश बाबू बी।
और हमने कल भी आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर देते हैं, जो रमेश बाबू भी हैं वो एनटीपीसी के नए पहले निदेशक से पहले एमडी और चेयरमैन भी रह चुके हैं इसी पद पर आने से पहले। और हाल ही में जो एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इसकी इस अभी हाल ही में जो इसके नए सीएमडी बने गुरदीप सिंह, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में बनता है। इसी के साथ में जो आज आपको होमवर्क के रूप में हम वर्क दे रहे हैं, जो आज का सवाल है वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा कि हाल ही में AIIA ने यानी कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने दिल्ली पुलिस के साथ में मिलकर कौन सा कार्यक्रम चलाया, तो इसका आपको ज़रूर कमेंट करके जवाब देना है। देखिए आप कमेंट तो कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कमेंट आप जो कर रहे हैं वो हाय हेलो गुड मॉर्निंग सर सेशंस के बारे में कर रहे हैं, लेकिन सेशन के साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि सेशन से जो क्वेश्चन है उनसे संबंधित भी आप मतलब कमेंट किया करें। इसी के साथ में अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे होम स्टे सेफ, कोरोना वायरस के खिलाफ घर पर बैठकर अपनी तैयारी जमकर करते रहकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ते रहिए, नमस्कार।